हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण आठ विषय इंग्लिश। आज आप इंग्लिश टेक्स्टबुक में यूनिट टू सीखवा छे। यूनिट टू, यू लव इंग्लिश डोंट यू? तो यूनिट टू की समझूती माटे हूँ तमने मारा आ वीडियो साथ त्रण लिंक मोकलाऊ छू। जेमा पहली लिंक में एक्टिविटी वन थी एक्टिविटी सिक्स सुधीनी बधीज एक्टिविटी आवी जाए छे। ए छे छ एक्टिविटी तमारे लिंक खोलीने समझीने टेक्स्टबुक में फिलअप करवानी रहेशे। त्यार पछी बीजी लिंक में एक्टिविटी एट, द बबूल इज ब्यूटिफुल इजंट इट? आ स्टोरी खूब सरस रीते चित्र सहित समझावी छे, एनी समझ तमारे आ लिंक पर थी मेळवानी रहेशे। त्यार पछी तीजी लिंक छे, एमा एक्टिविटी एट नी बी सी डी ई अने एफ ए समझीने तमारे तमारी सी डबल्यू नी नोट मां पण लखवानी छे। ए पहला लिंक मांथी तमारे तमारी टेक्स्टबुक मां लखवानी रहेशे। ख्याल आवी गयो? सी डबल्यू मां एक्टिविटी एट नो बी सी डी ई अने एफ ए क्वेश्चन आंसर छे, ए तमारे टेक्स्टबुक मां पहला फिलअप करी लेवाना रहेशे। एटले त्रीजी लिंक मां एक्टिविटी एट मां बी सी डी ई एफ पण छे अने एक्टिविटी नाइन अने ट्वेल्व नी समझूती पण आपी ज दीधी छे। आ बाकीनी एक्टिविटी नी समझूती पण तमारे ए लिंक परथी मेळवीने टेक्स्टबुक मां फिलअप करवानी रहेशे। परंतु सी डब्ल्यू मां मैं तमने समझाव्युं एटलुं ज, एक्टिविटी एट नो बी सी डी ई अने एफ लखवानो रहेशे। ख्याल आवी गयो? यूनिट टू मां एक्टिविटी एट नो बी थी एफ सी डब्ल्यू मां लखवाना, परंतु टेक्स्टबुक मां तमारे लिंक मांथी जोईने पहेला फिलअप करी लेवानो अने पछी सारा अक्षरे सी डब्ल्यू मां लखवानो। चलो त्यार पछी एक्टिविटी टेन नी समझूती लिंक मां आपी नथी तो आपे टेक्स्टबुक मां लखी लईए। जोईशु एक्टिविटी टेन, वर्क इन पेर्स रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सीस, जे नेरेट डिफरंट सिचुएशंस, द प्रॉपर एक्सप्रेशंस आर गिवन इन द बॉक्स, सिलेक्ट द प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड प्लेस इट इन द गिवन स्पेस। तो जुओ तमने અહીં બોક્સમાં એક્સપ્રેશન બતાવ્યા છે, એટલે કઈ સિચ્યુએશનમાં કયા એક્સપ્રેશન જોવા મળે છે એ તમને અહીં બતાવ્યા છે। તો અહીં તમને વન થી ટેન સુધીના એક્સપ્રેશન આન્સર બતાવવાના રહેશે। તો જુઓ, નંબર વન તમને સમજાવું, યુ ડ્રુ ધ નાઇસ પિક્ચર, યુ શોડ ઇટ ટુ ધ ટીચર, योर टीचर विल से, आंसर आवशे नाइस। बराबर, तमे सरस मजानुं एक चित्र दोर्युं हशे अने तमे जो टीचर ने बतावो तो टीचर तमने तरत ए चित्र जोईने शुं कहेशे, खुश थईने कहेशे ने नाइस, एटले एनो जवाब आवशे नाइस। जो आ बधा एक्सप्रेशन तमने अहीं बताव्या ज छे। बराबर, हवे आ सिच्युएशन छे अने एना एक्सप्रेशन अहीं बताव्या छे बॉक्समां, तमे अहीं नंबर पण आपी शको छो अने अहीं आंसर पण लखी शको छो। ख्याल आवी गयो? चलो पहेलानो आंसर छे नाइस। हवे बीजानो छे वेरी गुड। ख्याल आवी गयो? चलो त्रीजानो छे कॉन्ग्रेट्स। आ दरेक सिच्युएशन ना પાછળ જે આન્સર આવશે અહીંયા તમારે ઉદ્ગાર ચિહ્ન બતાવવાના રહેશે। નંબર ફોરમાં આન્સર આવશે બ્રેવો। નંબર ફાઇવનો આન્સર છે ગુડ। નંબર સિક્સનો આન્સર છે
एक्सिलंट। नंबर सेवन नो आंसर छे वंडरफुल। दरेक में आवी रीते तमारे उद्गार चिन्ह आपी देवाना रहेशे। चल त्यार पछी नंबर एट नो आंसर छे गुड जॉब्स। नंबर नाइन नो आंसर छे परफेक्ट। नंबर टेन नो आंसर छे वेल डन। तो हवे दरेक विद्यार्थीना दसे दस सिचुएशन ना आंसर लखाई गया हसे। चल सरस, हवे आपणे स्वाध्याय पोथीमां यूनिट टू, स्वाध्याय पोथीनो यूनिट टू जोवानो छे। हवे स्वाध्याय पोथीना यूनिट टू यू लव इंग्लिश डोंट यू, एना माटे हूँ तमने मारा आ वीडियो साथे एक पीडीएफ फाइल मोकलाउं छुं। तमारे ए पीडीएफ फाइल खोलीने यूनिट टू तमारी स्वाध्याय पोथीमां सारा अक्षरे जोईने लखवानो रहेशे। ख्याल आवी गयो? यूनिट टू स्वाध्याय पोथी माटे हूँ पीडीएफ फाइल मोकलाउं छुं, એટલે એ ફાઇલ ખોલીને તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં સારા અક્ષરે ક્વેશ્ચન નંબર વન થી ક્વેશ્ચન નંબર ટેન સુધી જોઈને લખવાનો રહેશે, જેમાં ક્વેશ્ચન નંબર નાઇન અને ક્વેશ્ચન નંબર ટેન લખવાનો નથી, એટલે ઓમિટ લખીને મેં મૂક્યો છે। ચાલો હવે તમને યુનિટ ટુમાં શું લખવાનું છે એની ખ્યાલ આવી ગઈ ને, એટલે સી ડબલની નોટમાં યુનિટ टू एमा एक्टिविटी एट नो बी थी एफ अने एक्टिविटी टेन जे मैं तमने हमणा समझावीने लखावी ए सी डब्ल्यू में लखवानी रहेशे, अने यूनिट टू नी स्पेलिंग तमारे शब्दार्थमांथी जोईने लखवानी रहेशे। एटले आजे तमारो यूनिट टू सी डब्ल्यू टेक्स्टबुक अने स्वाध्याय पोथीमां पूर्ण थई जशे।